Hello everyone. So this lecture may question karenge. The question is, a puck is moving in a circle of radius r naught with a constant speed v naught. So ye puck hai jo ek circle mein ghum raha hai, r naught radius hai, velocity uski v naught hai. On level frictionless table ke upar ho raha hai. The string is attached to the puck which hold it in the circle. So ye rassi hi hai jo is puck ko ghuma pa rahi circle mein. The string passes through a hole and is attached on the other end of a hanging object or mass kept. और यहाँ से रस्सी होल से पास करती हुई किसी और मास से अटैच है जो हैंग कर रहा है इस पे. अब क्या हुआ केस टू में, द पक इज नाउ मेड टू मूव विद अ स्पीड 3v0. तो उसकी स्पीड टू हमने ट्रिपल कर दिया, हमने 3v0 उसकी स्पीड कर दी और वही सब कुछ सेम है. और द मास ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट लेफ्ट अनचेंज, तो जो इस होल से पास होकर जा रहा था ऑब्जेक्ट का मास वहां पे एम ही रखा गया. तो बताना है हमको कि इस पक का नया एक्सेलरेशन कितना होगा, नया रेडियस कितना हो जाएगा, इसका r डैश कितना हो जाएगा. तो समझते हैं पहले, तो ये देखते हैं कि टेंशन है कितनी. टेंशन अगर देखी जाए तो टेंशन इक्वल टू एम जी, ये तो रुका हुआ है और यही रस्सी जो है वो यहाँ पे जा रही है इसके पास, तो यही रस्सी यहाँ पे टी है. तो अगर ये मास तो हमने सेम रखा, दैट मीन्स की टेंशन की वैल्यू जो है वो तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि वो तो एम जी है, यहाँ भी एम जी और यहाँ भी एम जी, वो तो सेम ही रही. और यही टेंशन यहाँ पे जो है पार्टिकल को प्रोवाइड कर रही है इंडिविजुअल फोर्स, दैट मींस कि दिस मस्ट बी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट. केस वन में होगा. अब चलते हैं केस टू में. सो केस टू में क्या हो रहा है, और हमको पता है कि यही टेंशन जा रही है यहाँ पे, तो टेंशन तो वही रहेगी, दैट मीन इक्वल टू एम 3v0 स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर वन. ठीक है, तो इसे आप चाहो तो पुट कर सकते हो, तो एम जी के बदले हम ये पुट कर लेते हैं एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट, यहाँ से इक्वल टू एम 9v0 स्क्वायर बाय आर वन. आर वन इक्वल क्या है, 9r1, मतलब रेडियस जो है वो 9 गुना जाना बढ़ जाएगा, बिकॉज टेंशन सेम रही है. तो अगर आपने इसको 9 गुना कर दिया तो उसको 9 गुना होना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू यही रहे. तो एक तो हो गया रेडियस, के रेडियस 9 गुना हो जाएगा, तो ये हो सकता है ये हो सकता है. अब बात कर रहा हूँ एक्सलेशन की, तो ए होता है आपके पास वी स्क्वायर बाय आर, तो v जो है वो तो हो गया 3v0 स्क्वायर बाय रेडियस हो गया 9r0, तो ये निकल के आ गया v0 स्क्वायर बाय, तो वो तो पहले वाला ही रहा और पहले भी यही था इस केस में, तो ये सेम ही रहा. दैट मींस ये इक्वेशन जो है वो तो सेम ही रहा, इसका ऑप्शन b हो सकता है जो हमने इजीली निकाल लिया. सो इस क्वेश्चन में इतना ही है, थैंक्स फॉर वाचिंग.